भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम को इस मुकाबले में 444 रन का टारगेट मिला। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 469 रन बनाए, इसके जवाब में टीम इंडिया पहली पारी में 296 रन पर सिमटी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बढ़त के साथ बल्लेबाजी की और 270 रन पर पारी को डिक्लेयर किया और भारत को 444 रन का टारगेट दिया। टीम इंडिया की बात करें तो चौथे दिन के खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। भारतीय टीम के लिए इस वक्त टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और 18 महीने के बाद टीम में वापसी कर रहे अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी कर रहे हैं और टीम को पूरी उम्मीद है कि अब 280 रन जो टीम इंडिया को आखिरी दिन में बनाने हैं वो विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी संभव कर पाएगी। बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने के लिए टीम इंडिया को आखिरी दिन 97 ओवर में 280 रन बनाने हैं। बहरहाल अगर इस मुकाबले की बात करें तो भारत की दूसरी पारी की जब बल्लेबाजी की शुरुआत हुई तब रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। इस दौरान शुभमन गिल को स्कॉट बोलैंड ने गेंद फेंकी और कैमरॉन ग्रीन ने कैच लपका। इस कैच के बाद से ही लगातार विवाद शुरू हो गया है। दरअसल शुभमन गिल का जो कैच कैमरॉन ग्रीन ने पकड़ा उसको लेकर लगातार यही विवाद है कि वो कैच नहीं था, गेंद जमीन से टच हो रही थी और इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने शुभमन गिल को आउट करार दिया। ये पूरी तरीके से चीटिंग है और शुभमन गिल को नॉट आउट देना चाहिए था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गिल को सॉफ्ट सिग्नल का फायदा नहीं मिला और आईसीसी ने इसके पीछे की वजह बताई है और एक बयान जारी किया है। दरअसल शुभमन गिल 8वें ओवर में बल्लेबाजी कर रहे थे, इसी दौरान उनके बल्ले से किनारा लेकर गेंद सीधा कैमरॉन ग्रीन के ओर गई। इस दौरान फील्डिंग कर रहे कैमरॉन ग्रीन ने डाइव लगाया और एक हाथ से कैच लपका। इसके बाद पहली नजर में यही लगा कि जो बॉल है वो जमीन पर लग रही है, लेकिन अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया। रिप्ले देखने के बाद शुभमन गिल को आउट करार दे दिया गया। इसके बाद कई दिग्गज भी इससे नाराज नजर आए, फैंस भी इससे नाराज नजर आए। लगातार सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के साथ चीटिंग हुई है। वीरेंद्र सहवाग ने भी इसको लेकर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि थर्ड अंपायर की आंखों पर पट्टी बंधी थी जब उन्होंने शुभमन गिल को ये डिसीजन देते हुए आउट करार दिया। लेकिन इसके पीछे आईसीसी ने जो वजह बताई है वो हम आपको बताते हैं। आईसीसी ने कहा है कि गिल को सॉफ्ट सिग्नल का फायदा नहीं मिलने के पीछे बड़ी वजह है नियमों का बदलाव। साल 2023 यानी कि इसी साल के जून के महीने में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के शुरू होने से 6 दिन पहले ही आईसीसी ने ये नियम टेस्ट में लागू नहीं होगा इसको लेकर बदलाव किया था। गौरतलब है कि सॉफ्ट सिग्नल का नियम तब लागू होता है जब कोई खिलाड़ी कोई बल्लेबाज आउट होता है कैच पर, लेकिन संदेह होता है तो फील्ड अंपायर फैसला सुनाते हैं, इसके बाद थर्ड अंपायर के पास जाता है। थर्ड अंपायर अगर तब भी डाउट में रहते हैं तो ऑन फील्ड अंपायर का जो फैसला होता है उसे ही आखिरी मान लिया जाता है। लेकिन ये पूरा नियम बदल दिया गया था, 1 जून से नया नियम लागू हो गया था कि सॉफ्ट सिग्नल का किसी भी तरीके से कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑन फील्ड अंपायर जो कुछ भी कहे, आउट दे नॉट आउट दे, उससे फैसला नहीं होगा, थर्ड अंपायर का ही फैसला आखिरी होगा। बस वही शुभमन गिल को इसका फायदा नहीं मिला और इस वजह से शुभमन गिल आउट होकर पवेलियन लौट गए। बहरहाल भारत को आखिरी दिन 280 रनों की जरूरत है और विराट कोहली से टीम इंडिया की काफी ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।